एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे। प्रकृति से बहुत प्रेम किया करते थे। तो एक बार वो निकल पड़े जंगल में घूमने के लिए और घूमते घूमते काफी दूर निकल आए। काफी दूर निकलने के बाद उनका पानी खत्म हो गया और प्यास से उनका बुरा हाल हो गया। वो बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, चलते चलते उन्हें इस उम्मीद में कि कहीं तो मुझे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। जो नदी थी वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख चुकी थी। बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए, घबराए, लेकिन भरोसा उस ईश्वर पे था कि पानी मिल ही जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अब वो बिल्कुल इस स्थिति में आ गए कि जीभ उनकी सूखने लगी। अचानक उनकी नज़र बहुत दूर एक झोपड़ी पर पड़ी और इस उम्मीद से उनकी हिम्मत फिर से बढ़ गई कि शायद इस झोपड़ी में कोई रहता होगा, कहीं ना कहीं मुझे पानी मिल जाएगा। वो झोपड़ी में गए, अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने सारा हर तरफ देख लिया, वहां कोई नहीं था। झोपड़ी कई समय से वीरान पड़ी थी, पानी की एक बूंद भी वहां पर मिलना नामुमकिन सी बात थी। झोपड़ी के पिछले हिस्से में उन्होंने देखा कि वहां पर एक हैंडपंप है, और हैंडपंप देखते ही उनकी हिम्मत बढ़ गई, जोश दोबारा से जागृत हो गया। वो गए और हैंडपंप जोर जोर से चलाने लगे। हैंडपंप चलाया लेकिन पानी की बूंद फिर भी नहीं निकली। अब वो बहुत मायूस हो गए, सोचने लगे कि अब क्या होगा। इतने में उनकी नजर पड़ी हैंडपंप के जस्ट बराबर में एक मग रखा हुआ था जिसमें पानी था, काफी पुराना सा, गंदा सा। मरता क्या ना करता, प्यासा क्या ना करता, उनको इतनी प्यास लगी थी कि उन्होंने सोचा चलो मैं यही पानी पी लेता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। जैसे ही पानी का मग ऊपर उठा के पानी पी ही रहे थे, बुजुर्ग की नजर एक स्लिप पर पड़ी जो उस पर चिपकाई गई थी और उस पर लिखा था कि ये पानी पहले आप हैंडपंप में डालें, हैंडपंप चलाएं, दोबारा से पानी आ जाएगा, आप पानी पिए और दोबारा से इस मग को भरकर रख दें। बुजुर्ग एकदम हैरान परेशान कि क्या करूं, पानी पीऊं या ना पीऊं, पी लेता हूं तो दोबारा कोई व्यक्ति आएगा तो वो कैसे पानी पिएगा, और नहीं पीता और पानी डाल देता हूं हैंडपंप के अंदर और पानी ना निकला तो मैं तो प्यासा मर जाऊं। इसी दुविधा और इसी उधेड़बुन में बुजुर्ग व्यक्ति बड़े परेशान से थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात आई कि हमेशा हमें नेकी करनी चाहिए। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद आने वाला व्यक्ति प्यास से ना मरे। उन्होंने वो पानी उठाया और पूरा ईश्वर का याद करने के बाद वो मग पानी का उस हैंडपंप के अंदर उड़ेल दिया और पूरी शिद्दत से उस हैंडपंप को चलाने लगे। बुजुर्ग ने पूरी ताकत से हैंडपंप चलाया चलाया चलाया, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं निकली। बुजुर्ग की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन्होंने फिर से अंतिम एक प्रयास किया, जोर जोर से हैंडपंप चलाया, फिर चलाया, अंत में एकदम से पानी की बूंदें निकलना शुरू हो गई और बहुत सारा पानी उस हैंडपंप से निकलने लगा। बुजुर्ग ने जी भर के पहले तो खुद पानी पिया और दोबारा उस मग को भरकर रख दिया ताकि कोई आने वाला दोबारा कोई राहगीर जो भटक कर आए उसकी मदद हो जाए, उसे पानी मिल जाए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में नेकी का मग हमेशा भरकर रखना चाहिए। आप भी अपना नेकी का मग हमेशा भरकर रखें, जाने किस मोड़ पर किसके वो काम आ जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से चिड़ियाघर के अंदर। चिड़ियाघर यानी कि हमारा प्यारा सा घर, जहां से मैं रोज लेकर आता हूं एक ताजा तरीन, हंसता खिलखिलाता, चटपटा, तीखा और जायकेदार ब्लॉग। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज हमें सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो स्वागत है आप सभी का चिड़ियाघर के अंदर। तो फ्रेंड्स, सामने बैठी है मेरी मम्मी। मम्मी प्रणाम। खुश रहो, सिद्ध बलि बाबा सभी लोगों बड़ा बड़ा कृपा बनाए रखा। अब मैं नाश्ता करूँ तो सब दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो डरो आप सभी दिन सुबह। और वो देखिए, दोनों मेरे बदमाश आ गए हैं, आरव जासूस एंड रुद्रा। अरे बच्चों इधर तो, गुड मॉर्निंग करो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अन्नपूर्णा जी के पास। अन्नपूर्णा जी की रसोई में आज क्या बना है, तो वेलकम टू अन्नपूर्णाज किचन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? अदलन गया हमारा नाश्ता, प्लीज आप। तो फ्रेंड्स, हमारी नाश्ते की प्लेट लग चुकी है और आई होप कि आप भी नाश्ता कर चुके होंगे। तो आज नाश्ते में बनी है भिंडी की सब्जी और साथ में है जायकेदार मंदिर वाले पराठे। मंदिर वाले लिए चौकंबर खाते। अच्छा। तो फ्रेंड्स, हम लेते हैं अपने नाश्ते का मजा। आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की चटपटी सी सब्जी और अन्नपूर्णा जी के प्यार भरे प्यारे से पराठे के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 11 और आज एक बड़ी जबरदस्त खबर है हमारे पास। आज अन्नपूर्णा जी जा रही हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो आज, कल इनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो आज इनको वैक्सीन लगेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो अन्नपूर्णा से पूछते, कैसा महसूस कर रही हैं आप आज? आज हम उत्साह से भरपूर हो रखे। वाओ। क्या तुम्हें कोई डर या धुकधुकी नहीं हो रही है? हाँ, इंजेक्शन का लगता है, पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे कपड़े कब से चीख चीख के पुकार रहे थे, कहीं ले जाओ हमें, आज मौका मिला है।
तो वेल बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, मेरे को आज वैक्सीन लगाए हुए 3 दिन हो चुके हैं, ना मेरे हाथ में दर्द हुआ ना मुझे कोई बुखार आया। हो सकता है कुछ लोगों को होता होगा, बट वी आर ब्रेव पहाड़ी, तो हम तो झेल गए, बर्दाश्त कर गए। और मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं लगवाया वो सभी लोग टीका ज़रूर लगवाएं। तो चलिए चलते हैं और वैक्सीनेशन करवा के आते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेव पहाड़न है या नहीं। इससे पहले तो हो सकते हैं ना, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, टीका तो लगवाना ही है, इट्स फॉर अवर सेफ्टी। तो चलिए चलते हैं और जाने से पहले एक बार जोर से बोलेंगे जय बद्री विशाल। वैक्सीन लगवा के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड से गुड लक टू अनपूर्णा जी, गुड लक। एंड वी आर बैक गाइस, और फाइनली अन्नपूर्णा जी ने वैक्सीनेशन करा लिया है और वो जंग जीत के आ चुकी हैं। हाँ। तो कैसा लगा आपको बता दो सबको। बहुत अच्छा बोर हो गई। वहाँ काफी देर बैठना पड़ता है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों को चक्कर आता है, तो इसलिए बैठाया जाता है, उन्हें क्या मालूम कि हम तो। और हाँ, आपको भी सलूट मार के वापस भेजा या ऐसी भेज दिया? आधे घंटे तक बिठा रखा था अंदर। हाँ, और फिर इनको भी सलूट मारा। ब्रेव पहाड़ी, हाथ जोड़ते अपने आप जाओ यार। तो दोस्तों वैक्सीनेशन हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं सीधा घर। दिन के 2 बजने वाले हैं और काफी टाइम लग गया है, पर चलते हैं, मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, अभी हम वैक्सीनेशन करवा के आए हैं अन्नपूर्णा जी को, और रास्ते में मेरी नजर पड़ी फ्रेंड्स नर्सरी के नाम से, बहुत ही शानदार नर्सरी है और मैं अक्सर यहाँ से प्लांट्स लेता हूँ, तो मेरे को लगा एक टूर आपको छोटा सा करवाता हूँ नर्सरी का और फिर घर चलते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। ज़्यादा टाइम मेरे पास आज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में सब कुछ दिखा देता हूँ। इनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और मैं यहाँ से बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स लेने वाला हूँ, बरसात आने ही वाली है। ये देखिए, ये बड़े सुंदर सुंदर चिड़िया के घोंसले हैं, आप इनको घर पे लगा सकते हैं। ये भैया के घोंसले की तरह लग रहा है देखने में, और अन्नपूर्णा जी घूम घूम के देख रही हैं कि कैसे कैसे प्लांट्स हैं यहाँ पे। आपको छोटा सा टूर करवाता हूँ। इधर ये सैकुलेंट प्लांट्स हैं, ये कैक्टस की वैरायटी है, और ये देखिए नीचे एरिका पाम है बहुत सारा। हाँ, और ये इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया। और ये आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था अपना फिलाडेल्ड्रॉन, और ये गुजमानिया का पौधा है दोस्तों ये वाला, और ये लकी बैम्बू भी है इनके पास, और ये बहुत से। अरे हाँ, ये आपको मैंने दिखाया था ना, मिल्कियाना,
ड्रायसेना वैरायटी दिखाई थी मैंने मिलके आना की, तो वो भी इनके पास है। सामने बहुत अच्छे अच्छे कैक्टस हैं, ये टर्टल वाइन है जो अन्नपूर्णा जी छेड़ रही हैं अभी। और ये देखिए कैक्टस की कितनी शानदार वैरायटी है। इनमें से ज़्यादातर प्लांट्स हैं मेरे पास, पर मुझे जब भी यहाँ आता हूँ तो बस मेरा मन मचल जाता है इन्हें लेने को। और ये है क्रोटोन, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास और देर भी हो रही है। ये देखिए ये मिनिएचर वाले कैक्टस हैं, सैकुलेंट्स हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, आप घर में लगाएंगे बहुत प्यार लगते हैं। और ये स्नेक प्लांट की ही मिनिएचर वैरायटी है। ये आपको याद होगा मैंने सिंगोनियम दिखाया था आपको घर में, तो सिंगोनियम भी है हमारे पास। और इनके पास बहुत सुंदर सुंदर बास्केट्स और हैंगिंग पॉट्स हैं, देखते ही मज़ा आ रहा है। और वाह ये कितना बड़ा, देखिए 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 दोस्तों कितना बड़ा बया का घोंसला बनाने के लिए है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके पास वैरायटी है पॉट्स की। अगर आप चाहते हैं चिड़ियाओं के लिए पॉट लेना हो, चिड़ियाओं को पानी पिलाने के लिए, तो आप इस तरह का पॉट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सुंदर इन्होंने बनाई हुई नर्सरी, इनका बाहर भी है और अंदर भी, और बहुत रीजनेबल रेट्स में ये सारे प्लांट्स देते हैं। यहाँ के ओनर हैं मिस्टर राजू, राजू चौरसिया जी यहाँ के ओनर हैं। और मैं कोटद्वार के सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपको जब भी प्लांट लेना हो तो आप यहाँ फ्रेंड्स नर्सरी में आएँ और यहाँ से प्लांट लें। बहुत अच्छे और बहुत उचित दाम पर सारे प्लांट देते हैं। और मैं आपको एक इनका छोटा सा मुआयना इधर का भी करवा देता हूँ, इधर भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इनके पास, आप देख सकते हो। अन्नपूर्णा जी आ जाइए। और ये देखिए मेरे ठीक पीछे काफ़ी सारी हैंगिंग बास्केट्स लगी हुई हैं। और ये देखिए ये ग्राफ्टेड वैरायटी बनाई है इन्होंने बोनसाई की। और इधर ये जेड प्लांट हैं, आपने देखे थे घर पर, मैंने आपको काफ़ी सारे दिखाए थे, काफ़ी सारे जेड प्लांट भी हैं इनके पास। और ये पूरा इलाका इनका नर्सरी का है, तो मैं देखता हूँ कुछ अगर मौका मिलता है जल्दी से मैं कुछ परचेज़ कर सकूँ। वैसे राजू चौरसिया जी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, खाना खाने गए हुए हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं फिर भी प्लांट्स तो इनके दिखाई देता हूँ आपको। दोस्तों गोल्डन साइप्रस मैंने आपको दिखाया था, मुसुंडा। और फ्रेंड्स सामने है बहुत सारे गुलाब, वाह। और फ्रेंड्स ये पहचानिए इसे, अन्नपूर्णा जी कौन सा प्लांट है ये? मेरे को नहीं पता इसे। तो फ्रेंड्स ये है बोगनवेलिया, हाँ बोगनवेलिया है ये। और ये इन्होंने बोनसाई बनाया हुआ है, हो सकता है कि अगर ये बात बन जाए, वैसे इनका ये सजावटी अपनी नर्सरी के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर ये मान गए तो मैं इस प्लांट्स को घर लेके जरूर जाऊंगा। और ये बोनसाई बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं वो बरगद को वहाँ पे, ये पीपल का है बोनसाई इनका, और भी काफ़ी सुंदर हैं। ये चांदनी मैंने आपको अपने घर पे दिखाई थी, तो ये वही चांदनी का प्लांट है, इन्होंने भी इसे लगाया हुआ है। और बहुत सारे पॉट्स हैं इनके पास और बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। फ्रेंड्स मैं जैसे ही जाने लगा तो मेरी नज़र पड़ी इस चीकू के पेड़ पर, जैसा कि मैं आपको अपने घर में दिखाया था मैंने चीकू का पेड़, बट ये उसकी दूसरी वैरायटी है। और इन्होंने इसको पॉट में लगाया हुआ है, गमले में लगाया हुआ है, जिस तरह से आपने हमारे घर में काफ़ी सारे प्लांट गमले में देखे, एक बड़े काफ़ी बड़े साइज के गमले में है। और इस पर फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करी है इसने, और शायद ये फल देने में कामयाब हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा पौधा है। और एक ये वाला प्लांट लेने का मेरा बड़ा मन है इनसे, अगर राजू मान गए तो। ये भी एक बोनसाई है और बड़ा सुंदर बोनसाई है, देखते हैं बात बनती है या नहीं, फिलहाल चलते हैं घर। चलिए अन्नपूर्णा जी। तो दोस्तों काफ़ी देर हम नर्सरी में रुक गए हैं और काफ़ी देर हमें हो गई है, राजू भाई से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मिलते हैं डायरेक्ट घर से। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 6 और घास याद है ना, ये हमने नवीन ने और मैंने हम सब ने मिलकर खुदाई करी थी इस वाले खेत की। तो ये घास अब काफ़ी बड़ा हो गया है, रोज़ हमारी गंगू हम काटते हैं इसको और उस वाले हिस्से काट चुके हैं। और ठीक पीछे आप देखिए अन्नपूर्णा जी बैठी हुई हैं और चंदा को खोल दिया उन्होंने, उधर गंगू खड़ी है, अब मम्मी जी लोग दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और पीछे हमारी है हमारी गौशाला। चलिए मैं आपको खेतों की तरफ ले चलता हूँ और इस तरफ से देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये मेरा बन्नू नीचे बैठा हुआ है और ये देखिए फ्रेंड्स ये गिलोय की बेल जो मैं आपको दो बार पहले भी दिखा चुका हूँ, अब ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई है, ओ काफ़ी पीछे तक ये चली गई है, काफ़ी लंबी हो गई है। अमरूद बहुत सारे लगे हैं लेकिन अभी साइज़ इनका वही है छोटा सा, ये बड़े नहीं हुए हैं, अपडेट आपको मैं देता ही रहता हूँ। चलिए अन्नपूर्णा जी बुला रही हैं, शायद कुछ कहना चाह रही हैं, चलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स अन्नपूर्णा जी गंगू के बेटे बच्ची को प्यार करें ना चंदा को, तो बन्नू भी नाराज़ हो रहा, बंजू भी आ गया कि मुझे भी प्यार करो। बन्नू नहीं, ये पता नहीं उससे क्यों जलता रहता है, जलता रहता है उससे। हाँ अब देखिए फ्रेंड्स उसको खोलेंगे, वो सीधे दौड़ लगाएगी अंदर। ये चंदा
इधर 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 अंदर अंदर अंदर, ये देखिए बानू रुक जा, बानू रुक जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पता नहीं उससे क्यों इतना जलता है। बाय 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 बाय। तो अन्नपूर्णा चले गई दूध निकालने, मम्मी साथ में हेल्प कर रही है। और ये मेरा वो चीकू का पेड़ जहाँ कल मैं चढ़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने अपनी ये कद्दू की बेल दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, कद्दू की बेल अभी काफ़ी बड़ी हो गई है, और कद्दू के साथ बीच में मरसू भी दिखाई दे रहा होगा आपको। मरसू यानी कि चौलाई, चौलाई यानी कि जिसके लड्डू बना के व्रत में खाते हैं, शायद ये वही है। हाय, तो दोस्तों बजे हैं 6 अभी, और अभी मेरे पास बातें करने का टाइम नहीं है, मेरे को जाना भी है, इसलिए आपसे बातें करेंगे पापा जी। और अभी सुपर आर आपको खेलना भी है, तो बाय बाय। बाय बाय। और 6 नहीं 6:30 बज रहे हैं सुपर आरब। हाँ, और वो सामने चिराग, चिराग भागो भागो आ गया, सुपर आरो पकड़ लेगा। और अन्नपूर्णा जी और मम्मी आपके सामने बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों सब्जियां छील रहे हैं, काट रहे हैं। तो अन्नपूर्णा जी, आप बताओगी ये काई की सब्जी है? आज ये सवाल मैं करूंगी। अच्छा, कि सारे लोग बताएंगे कि ये सब्जी कौन सी है, अगर आपको पता है। वैसे ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन हम इंतजार करेंगे फिर भी। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, आप अपनी तरफ से बताना कि आप क्या बोलते हैं इसे। हाँ, ढंग से दिखाओ, जरा पास से दिखाओ। ये हमारे यहाँ मम्मी, इसके इसकी कुछ टिप्स टिप्स दो ना, कहाँ पे उगती है, कैसे उगती है, जरा बताओ किस मौसम में। बारिश होती है। हाँ, लगती है पहले जंगल में। हाँ, बारिश होने के तुरंत बाद। अच्छा, जंगल में उगती है। जंगल में, खेत में नहीं उगाई जा सकती? नहीं, खेत में अपने आप से होती है, ये जंगल में अपने आप उगती है। अच्छा, जंगल में। अच्छा, बारिश पड़ने पे उगती है। तो फ्रेंड्स, ढंग से देख लीजिए आप। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और हम लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मतलब हमारे गढ़वाल में बहुत पसंद करी जाती है ये सब्जी। लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ प्याज भी काटेंगे। हाँ, जरूर बताना, और सब लोग बताना जिसको पता है कि ये सब्जी कौन सी है। आज सवाल मेरी जगह अन्नपूर्णा जी ले आई हैं आपके लिए, और मैं आपको और करीब से एक बार इस सब्जी को दिखा देता हूँ, ताकि आप इसे पहचान पाओ। ये मानू ने भेजा है, और ये सर थैंक्स टू मानू। और ये सब्जी दोस्तों हमारी बुल्ली मानू ने भेजी है गाँव से हमारे लिए, आजकल वो गाँव गई हुई है। तो थैंक यू मानू, इस सब्जी के लिए बहुत सारा थैंक यू, फिर भेजना। भैया को मत बताना मैं यहाँ बाहर हूँ। ओ दोस्तों, भैया को मत बताइएगा, सुपर आरव यहाँ आए हुए हैं। और सब्जी रखते हैं अब साइड में। और आपको याद होगा कि आज अन्नपूर्णा जी वैक्सीनेशन करवा के आई हैं, तो अभी बच चुके हैं 6:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, और मेरी पहाड़न एकदम बिल्कुल फिट टकाटक है, एकदम तंदुरुस्त है। देखते हैं कि रात को इन्हें बुखार आता है या नहीं आता है, या हाथ में दर्द होता है कि नहीं होता है। बट मुझे नहीं लगता कि होगा, कुछ लोगों को होता भी है, बट वी आर ब्रेव पहाड़ी एज यू नो, तो शायद ये झेल जाए। वीडियो को एंड करते हैं, और अब आरव और चिराग भी आ गए हमारे साथ। तो आरव, कोई रिक्वेस्ट नए व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं हमें? सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो भी दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं हमारी इस प्यारी सी फैमिली को, और आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। तो अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड जय बद्री विशाल।